हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में. तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे. तो मैं भी आज ठीक ही हूँ. अभी तक जुकाम ठीक नहीं हो रहा है. जुकाम के साथ साथ कान तक दर्द हो रही है. अब तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठ रही हूँ. अभी 8 बजे आज से मैं आज बहुत लेट सो के उठ रही हूँ. तो आज हमने किए हुए हैं नेपाली खेत खोदने के लिए, क्योंकि हमने उसमें बीजना है. तो वो किए हुए हैं. तो मम्मी तो जल्दी उठ चुके थे, मुझे भी उठा रहे कि उठ जा. तो थोड़ी हेल्प करने मैं भी जा रही हूँ खेत. यार कान इतनी दर्द हो रही है ना, बेरहम वाली. दोनों कान जाम हो गए मेरे, ऐसा लग रहा है मेरे को. तो ये भी बीमार थी, ये भी अभी थोड़ी ठीक तो लग रही है. आज कल बहुत थी. तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ खेत. तो इधर देखो, ये वाला खेत खोदना है वहां परे तक, परे 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 तक, यहाँ तक. तो इधर देखो, बीज बीजे जा रहा है. कौन सी है? बालड़ी है ये. इधर उधर देखो, सुबह खेत आई हुई थी और उसके बाद हम उसी तरह ही घर चले गए थे. और फिर याद आया कि मैंने कसी हुई, मैं भूल गई. मैंने सोचा मम्मी लेके आ गई होगी. तो वहाँ पे फिर कसी ढूंढने लगे. तो मेरी कसी अजी खेत है, तो मुझे आना पड़ा उसी खेत में दोबारा. सबसे घटिया काम लगता है जब दोबारा उसी खेत में जाओ. तो इधर है कहीं, पता नहीं कहाँ पर है, समझ नहीं आ रहा. तो ये वाला खेत किया था हमने सुबह, और कसी का तो पता नहीं है कहाँ पर है, ढूंढनी पड़ रही है मुझे. शायद पर रखी थी मैंने लास्ट में, शायद उधर होगी. सब पहुंच चुकी हूँ मैं उसी खेत में जिसमें हमने कल घास निकाला था. तो इधर लगे हुए हैं मम्मी, देखो कैसे बैठे हुए हैं. इधर देखो, इसका नाम मैं अभी बताऊंगी आपको पूछ के. दूसरा किधर गया भाई, दिख नहीं रहा अभी. और तभी यही मम्मी को प्यास लगी हुई थी, तो मैं पानी लेके आई हूँ. आपने मेरे को फोन करके बुलाया है. इस देखो, मैं भी लेके आई हूँ अपने लिए, ग्लव्स लेके आई हूँ, एक कस्सी लेके आई हूँ अपने साथ. और धातु तो लाना ही पड़ता है ना. तो इधर बीज रहे हम. ये है जी, यार ये भी बालड़ी है, ये भी बालड़ी है. अच्छा, आधे आधे में बीज रही होगी शायद. इधर वाले पैकेट में है शायद दूसरी. हाँ, सबसे घटिया. इनकी तो मेरे को शक्ल ही बेकार लगती है देखने में. और इधर देखो कैसे कर रही है काम. इधर से कर लिया है, इधर से, इधर से, इधर से करना है अभी इधर तक. और थोड़ा मैं आपको इधर मौसम दिखाती हूँ. ऊपर देखो कितना ख़राब हो चुका है, पर ऐसे मौसम में काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. तो इधर से देखो इस तरह से, तो उधर पार बारिश लग गई है, यहाँ पर बारिश हो रही है. इधर से भी बारिश आ गई है नीचे तक. और इधर से नहीं है अभी. उधर देखो पार कोटगढ़ में धूप लगी हुई है, यहाँ पर धूप लगी हुई है. और इधर मैं थोड़े आपको सेब दिखाती हूँ. इधर देखो क्या साइज़ बन चुका है हमारे सेब का, बड़ा बेरहम हो गया. इधर इधर भाई सेब नहीं लगे, पर साइज़ बढ़ गया, कम में लगे हुए. इधर भी देखो पत्तियाँ इसमें तो कम आई हुई है, पर ठीक है. इसमें जो ये खेत है ना, यहाँ से लेकर ऊपर 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 तक हमारा ये दिख रहा है. इधर 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 से नीचे वाले खेत है, ये हमारा खेत है. और इसमें ना किसी टाइम 50 से 60 के बीच में इधर पेड़ होते थे किसी टाइम. और अब ना शायद 20 पेड़ रह चुके हैं. 20 रहे? हाँ 20 ही रहे, बाकी चल बसे. तो यार मम्मी ऐसा बोले कि कस्सी मार दे जल्दी, ऐसा नहीं लग रहा कि बीमार इंसान है, थोड़ी सो के उठ रही है अभी. और तब नहीं रहे. और अब हमने इसमें न्यू प्लांट लगा दिए, ये भी 100 एक पेड़ इसमें लगाए हुए हैं जो यहीं पर है. इस वाले तीन खेत में 100 है, उससे ऊपर को पता नहीं कितने हो गए, पता नहीं इतना ही है कुछ, मुझे इतना आइडिया है कितने ही पेड़ है. इधर ना बारिश लग गई है, तो हम जा रहे हैं घर. घर हमारा यहाँ जैसे है, इस वाले से परी साइड को हमारा घर है. तो हम चल पड़े घर. इधर बहुत भयंकर बारिश हो रही है. तो
तो देखो कैसे जा रहे हैं, सारे भाग के जा रहे हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, अब तो बहुत तेज हो रही है। चलो चलो भाई भागो भागो। भैया इधर मैंने कैमरा ऑन करके जा रही हूँ। इसने तो सेब भी गिरा देने भाई। तो भागो गाइस, भागो मम्मी। नमस्ते। ये भी हाँ देखो कहाँ से आया ये। तो मम्मी ऊपर आ रही है और आप बारिश तो देख सकते हैं, आवाज तो आपको आ ही रही होगी। तो इधर जीत चाय वाले यहाँ पे चाय दी जा रही है, मैं लेके आई हूँ अभी चाय। लग चुकी है देखो इधर से धूप। ये मौसम भी बहुत ज्यादा ड्रामे करता है। वैसे मौसम तो ऊपर से खराब ही है ना, पर फिर भी ऐसे धूप तो लग चुकी है, बारिश रुक चुकी है। तो हमारा काम इन्होंने ऐसे ही रख लिया और हमने उनको छुट्टी दे दी है, तो वो शायद अब कल आएंगे अगर आए। तो दोस्तों अब मैं दोबारा से खेत आ चुकी हूँ, और मतलब 3:30 बारिश लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस वजह से ना नीचे बहुत ज़्यादा गीला हुआ। तो हमने सोचा था कि 5 तक खोदने का काम करेंगे, उसके बाद उनको जो भादो लोग थे उनको छुट्टी दे देंगे। तो उनको तो हमारे को 3:30 के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ, उसके बाद वो भी चले गए। उस बाद तो क्या काम होना था जब गीला हो गया नीचे। और इधर देखो मम्मी ने एक लक्कड़ किया हुआ है, जो पानी है ना उसको निकाल रहे हैं। देखो इस तरह से इधर से अपने लिए रास्ता बना रहे हैं चलने के लिए। तो हम अभी के दूर वाले खेत में आए हुए हैं, हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना नीचे एक आरो का पेड़ है, लगे हो गए ना थोड़े बहुत, तो खाने का मन कर रहा है, पक चुके हो गए हो अभी के लिए, तो खाने का मन भी कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ही पेड़ है ओनली, एक लौता पेड़ बेचारा। कलम की हुई थी हमने कुछ टाइम पहले ना वहाँ पर, तो फ्रूट्स तो हमारे सभी होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते जो इधर नहीं होते होंगे, बाकी तो सारे लगाए होते हैं। तो तब हम इधर आए तो हमने घास भी नहीं निकाला था, हमने सोचा था 5 के बाद निकालेंगे, उसमें काहेगा घास निकला, उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो अब हमें ऐसे गिल्ले में आना पड़ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा गीला है। इधर का व्यू भी देखो आप कितना सुंदर है ना, इधर साइड को बहुत ही सुंदर है। खप होगी इधर, इधर कोई आरो नहीं है यहाँ पर ना। ये कीड़े देखो, कीड़े कैसे लगे देख लो, कीड़े नहीं खाई आपका ची खाने से। ये देख वो फ्रूम जैसे होती है, इसमें लगी पारे कैसे लगी। तो गाइस ये ना किसी ने खा लिया इधर देखो, किसने खाए, इन्होंने खाए पारे क्या लगा है। हाँ तो इन्होंने खाए है, तो इनको ही बोल रही हूँ मैं। इधर देखो लिया यहीं पे फेंकी हुई है, देखो यहाँ पर भी एक इसमें लगे हुए थे। मैंने उस टाइम का व्लॉग भी तो बनाया था, थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने, उस टाइम छोटे थे। देखो इसमें भी यार शिट तो खाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे हम बहुत ज्यादा लेट आए इधर। एक तो इधर को आए ही नहीं ना, मम्मी तो आए ही नहीं, देखो इतना बड़ा घास भी लगा हुआ है, तो इधर को आए ही नहीं, देखे ही नहीं होगे टाइम पर, और ये पक चुके होगे तो ये नीचे गिर चुके हैं। अब खाओ जी, क्या खाओ, क्या खाना, कुछ नहीं, चलो टाइम से आना पड़ता है गाइस। टाइम से, अगर टाइम से नहीं आएगा तो ऐसे ही खा लेगा कोई। नेक्स्ट टाइम चींटियां लगी हुई है, क्या क्या लगे हुए भाई इसमें, पूछो ही मत। चलो अब मम्मी दोबारा टाइम से आएगी इसके निकालने। कब आएगी टाइम से निकालने, अगले साल को? अगली साल तो अब आपको लग गया पता कि अगले साल टाइम से आना पड़ता है। इसमें वैसे बहुत लगे हुए थे उस टाइम, पानी निकालना पड़ता है इससे पहले, उस पर हम इसको काटेंगे ताकि गीला ना हो। हम भी बहुत ज्यादा भीग सकते हैं, भीगी तो मैं हूँ वैसे, कितनी भीगी हूँ, बहुत ज्यादा भीगी हुई है। तो हम जहाँ हम घास निकालेंगे हम ऐसे ही निकालेंगे इस पानी को। बस ब्याज दे पटाखे से, कितने अच्छे हैं। इसको बोला जाता है रेओ, रेओ ना कैसा घास होता है, मतलब कि देखने को अच्छी होती है, जब फैलती है ना पूरे खेत में तब सबसे घटिया होती है, यही होती है। तो हमने घास तो निकाल दिया है ना, तो अब इधर एक ये लेके जाएगा, दूसरा इन लकड़ियों को लेके जाएगा।
और इधर हमने अभी ये वाला घास निकाला है, ये वो इधर लगा हुआ था ना परे तक, तो हमने ये निकाल दिया है इधर से इधर तक। अब ऊपर साइड वाले खेत में रहा हुआ है। आरो तो मिले नहीं तो मैं खेत से लेके आई हूँ एक सेब। ये है टाइटमैन, हम लोग तो खा नहीं सकते, ये ही हमारी स्वस्थ है। मैं भी अस्वस्थ हूँ। तो फिर क्यों खा रही है? बाकी हम तो खा नहीं सकते, ये भी नहीं खा सकती। हाँ कऊ के लिए, ये कऊ के लिए आपको नहीं दिया मम्मी ने, ये कऊ के लिए, ठीक है कऊ को देना ये पर, ठीक है नहीं खाने को नहीं होता, ये कऊ को होता है ये। हम अभी दुकान जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। इधर दीदी अभी पैर धो रही है, आप भी धो लो, बैठो आप भी वहां पर। कहाँ जा रहा भाई? इसने जाना है जी ऊपर। आज इधर सब कुत्ते भौंक रहे हैं, सब भीग के है तो नहीं इधर कुछ।